प्रथम तहलका न्यूज। रोहतक में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बल्लभगढ़ में छात्रा निकिता हत्याकांड पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी और सरकार की पूरी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है। निकिता को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी के परिवार के संबंध कांग्रेस पार्टी से हैं, इसीलिए सभी कांग्रेसी चुप बैठे हैं। धनखड़ ने बुधवार को रोहतक में मकडोली टोल प्लाजा के नजदीक कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये सभी बातें साझा की और साथ ही उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी योगेश्वर दत्त की जीत का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि बड़ौदा की जनता में उपचुनाव को लेकर उत्साह है। योगेश्वर दत्त ने विश्व भर में बड़ौदा को पहचान दिलाई है। देखिए उत्साह है, जनता में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लोगों ने मान लिया है कि योगेश्वर दत्त की जीत बड़ौदा की जीत, क्योंकि योगेश्वर दत्त आइकॉनिक है, एक पहचान दिलाई है जिस व्यक्ति ने बड़ौदा को, तो लोग ये मान गए हैं कि अब बड़ौदा की पहचान योगेश्वर दत्त के साथ है। और वैसे भी किसानों की पहली पसंद पहलवान होता है, तो निश्चित रूप से बड़ौदा का मन बनता जा रहा है कि इतने महान खिलाड़ी को, इतने महान पहलवान को हम विधानसभा में भेजें। आज मैं दुखी हृदय से एक बात कहना चाहता हूँ, एक बेटी की बहुत निर्मम हत्या हुई, अपराधी के लिंग के कांग्रेसी परिवार से, सारे प्रदेश में एक वेदना है, सारे प्रदेश में एक दर्द है, सारा प्रदेश इस बात से पीड़ित है कि इतने सरेआम निर्मम हत्या की गई, उस बेटी को न्याय मिले ये सबकी आकांक्षा है। मैं उस बेटी को न्याय दिलाकर रहेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे कि उस बेटी को न्याय नहीं मिल जाए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा। निकिता हत्याकांड पर सभी लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है और हर कोई आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की बात कर रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि आरोपियों को सजा कब मिल पाती है। प्रथम तहलका के लिए रोहतक से रिंकू परमार की रिपोर्ट।